दादी को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और दादी देखो अभी भी टकाटक है और बहुत अच्छा लगता है दादी। तो महाराज सूर्य का ये मेन एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। टाइगर देखना है, पहाड़ का टाइगर, तो ये है पहाड़ का टाइगर, ये है पहाड़ का टाइगर। अभी हम इसको दिखा देते हैं आपको, ये है पहाड़ का टाइगर, ये देखते, ये है बबर शेर। चलो बोल, ये साल अच्छा 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 तो ठीक है यार, हमारी दादी जी हैं तो काफी उम्र हो चुकी है दादी जी की। दादी जी उम्र कथे भाई तुम्हारी? पता नहीं है पर वो एक 90 पुंज से वो बोई गोला 100 साल हो गए दादी को। 100 साल हुए। तो दादी को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और दादी देखो अभी भी टकाटक है और बहुत अच्छा लगता है दादी से। तो दादी ठीक छो, मैं जरा दे मुझाणू तब बोलवा। हाँ चलो ठीक छो, तो अच्छी बात अच्छी दादी। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी इधर मस्त हूँ। तो आज मस्त इसलिए भी हूँ कि मैं अपने गांव में आ रखा हूँ और गांव में आने का कुछ अपना ही सौभाग्य होता है। तो गांव ये देखो हमारा गांव है, बहुत सुंदर गांव है। दीपावली की थोड़ा सा छुट्टियाँ पड़ रखी हैं तो हम भी अपने गाँव आ रखे हैं। तो गाँव में आने को मन तो करता है बट थोड़ा सा रोजी रोटी के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा आजकल थोड़ा छुट्टियां हैं तो हम उनका आ रहे। माता तो माता ही बुलाती है हमें, और माता कौन सी है आपको सबको विदित है कि माँ राजराजेश्वरी हमको बुलाती है। तो हम जा रहे हैं राजराजेश्वरी के मंदिर में, तो अभी थोड़ी देर में राजराजेश्वरी के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा रास्ता पैदल का रास्ता है, कम से कम आधा किलोमीटर के सामने पे माँ राजराजेश्वरी का भव्य मंदिर है जिसका दर्शन आपके थोड़ी देर में होने ही वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप माँ राजेश्वरी के प्रांगण में, और ये सामने पे ये रोड, रोड आप जब देख रहे हैं ये माँ राजेश्वरी के मंदिर तक जाती है, और ये माँ राजेश्वरी का मंदिर का गेट है। भाई लोगों यहाँ पे मिल चुके हैं ये। हेलो कैसे हो? अब आ गए, बड़ी जल्दी आ गए भाई। हाँ जरा शॉपिंग करने गए थे। अच्छा ये सारा अच्छा, कुछ खास पार्टी लग रही है भाई आज? आज तो खास पार्टी है, दिवाली की पार्टी है। चलो ठीक है मैं चलता हूँ, जरा आता हूँ फिर। ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके ओके ओके, चलो ठीक है मिलते हैं। बाय बाय। देख सकते हैं महाराजेश्वरी का मंदिर आ चुका है, ये प्रांगण है। पिछले लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि महाराजेश्वरी का मंदिर कितना भव्य और सुंदर लगता है, ये देख सकता हूँ। तो महाराजेश्वरी का ये मेन एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। ये रहा माता राजेश्वरी का मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ पे पूजा अर्चना करता उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है यहाँ पे माँ राजेश्वरी का मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की व्यवस्था भी है, और इस सामने पर देख सकते हैं आप वहाँ पर खाना बनाने के लिए पूरा स्पेस। तो एक बात और है कि आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, तो जब हम बचपन में थे तो यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी रहते थे, ये ग्राउंड पूरा खचाखच भरा रहता था। हमारा तो नंबर ही नहीं आता था, हम तो केवल बॉल उठाने के लिए मिलती थी, हमारा मैच में कोई दूर दूर तक नंबर नहीं आता था।
बट आप आज देख सकते हैं दोनों ग्राउंड पीछे भी जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो भी खाली है और नीचे वॉलीबॉल ग्राउंड है वो भी खाली है। तो कुछ रीज़न है इसका, क्या रीज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये रुद्रप्रयाग जिले में ग्राम किंजाणी में महाराज राजेश्वरी का भव्य मंदिर है, तो आप यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं, सूरज ढलने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। एक बार मैं आपको बता दूँ कि राजेश्वरी जी मंदिर है, तो ये रुद्रप्रयाग जिले में मोहनखाल ग्राम किंजाणी मोहनखाल के पास में पड़ता है। तो रुद्रप्रयाग से ये 43 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आ सकते हैं घूमने के लिए। ये बहुत ये 12 महीनों में ये मंदिर खुला रहता है। तो ये ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।